हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डीज टेस्टफुल किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं गोभी के पराठे। तो हमने इसको फूड प्रोसेसर में डाल लिया है और इसको अब ग्राइंड करेंगे। ये ली हमने 4 से 5 प्याज, इनको भी हम फूड प्रोसेसर में करेंगे। थोड़ा कटा हुआ धनिया और हरी मिर्च। ये देखिए ग्राइंड होने के बाद ना इस तरह का हो गया, तो बिल्कुल सूखा सूखा सा गोभी का ये मसाला होता है। अब हम प्याज करेंगे। ये देखिए प्याज भी ऐसे फाइन उसमें हो गया है और बहुत कम टाइम लगता है बनाने के लिए ना। सब्जी मसाला डालना, सब्जी मसाला है ये, और ये है चाट मसाला स्वाद के अनुसार। एवरेस्ट का चाट मसाला है, एवरेस्ट का सब्जी मसाला है, नमक स्वाद के अनुसार है। मैंने आपको दिखाने के लिए दिया है इतना करीब हमने अदरक ना, एक फूल गोभी है पूरा, 5 प्याज है, और इतना करीब अदरक छील के ना हमने प्याज के साथ ग्रेट कर लिया है। नमक स्वाद के अनुसार डाल दिया है। अब हम इसमें सूखा धनिया पाउडर भी ग्राइंड किया हुआ डालेंगे, थोड़ी लाल मिर्च स्वाद के अनुसार। बच्चों के लिए बना रहे हैं तो स्किप कर सकते हैं। और इस सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये मैं अपनी सिस्टर इन लॉ के यहाँ आके बना रही हूँ, तो उनकी हेल्पर बनाती है बहुत अच्छे से, तो मैंने सोचा आपसे शेयर करूँ। बहुत ही यम्मी ये पराठे लगते हैं। ये सूखा धनिया पाउडर हमने इसमें ऐड कर दिया है। ये देखिए इन्होंने ना ये पतली पतली रोटियाँ बेल के रख ली हैं, बहुत कम आटे की और बहुत पतली। अब ये ऐसे रोटी पर फैलाएंगी। देखो हर जगह से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, और पराठा बहुत इनका अच्छे से भरा हुआ होता है। ये देखिए ऐसे ये इसको ऐसे मोड़ देंगी, जैसे एक तो हम चिपका के बनाते हैं और ये इसको ऐसे मोड़ देते हैं। देखिए कितने अच्छे से ये बना रहे हैं। और इसको अब ऐसे सूखे आटे में डस्ट करके बेलेंगी। वाह, देख रहे हैं ना आप कितने पतला, और जब खाते हैं ना तो आटा बिल्कुल ऐसे लगता है ही नहीं, बहुत कम इसमें डला हुआ है आटा। और इसको इन्होंने गर्म तवे पे डाल दिया है, तवा हमने ऑलरेडी गर्म होना रख दिया था। देखिए बहुत ही यम्मी है। एक और मैं आपको बनाकर दिखवाती हूँ। देखिए अगर मिश्रण थोड़ा गीला है ना, तो ये छोटा थोड़ा सा ऐसे आटा बुरक लेती हैं उसके ऊपर और फिर लगाती हैं, तो ये उससे फिर फैलता नहीं है। वेरी गुड। तो ये छोटी छोटी टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं, जिनको बनाने से टेस्टी चीज़ें बनती हैं और आसान हो जाता है। मुझे नहीं लगता इससे आसान पराठा बनाना होगा, सभी बना सकते हैं, बिगनर्स भी इसको बना सकते हैं। और फिर कम से कम आटे में आपका ये बहुत ही पतले पराठे बनते हैं। दोनों पराठे ये इस तरह से डल गए हैं दो दो तवे पर, और अब हम इनको सेक के दिखाएंगे। हमने ये पराठे को पलट दिया है। देखिए जब इस तरह से ब्राउन हो जाए तब हम इस पर लगाएंगे घी या तेल, जो भी आप लगाना चाहें। और ये देखिए ढेर सारा घी और ये यम्मी से पराठे। मेरी सिस्टर इन लॉ का कहना है कि या तो खाओ मत पराठे, और खाना है तो फिर ये घी वाले यम्मी से पराठे खाओ। ये देखिए वाओ, घी थोड़ा उड़ता है, धुआं फैलाता है, बट पराठा सिक्केगा बहुत अच्छा, यम्मी बनेगा। देखिए कितने क्रिस्पी और शानदार पराठे हैं। तो कभी आप बनाए ना इस तरह से ज़रूर बना के देखिए, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही बढ़िया बनते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया सिक गया है। अब हम इसको प्लेट में लगाते हैं। ये देखिए हमारे यम्मी से पराठे बनकर तैयार हैं। बहुत ही पतली ये लेयर है, बिल्कुल फुल ऑफ वेजीज है, गोभी और बथुए का रायता है। नथिंग लाइक इट। घी से खाइए, बटर से खाइए, यम्मी यम्मी पराठे। वाओ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।